वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपने नियत कर ली होगी कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होगा, और यकीनन अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आप नियत करते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली सोच से हर चीज़ स्टार्ट होती है। कि सोच आपकी पॉजिटिव हो तो आपका दिन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर आप लेज़ी हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जनाब आज के दिन शायद कोई अच्छा ना जाए, हमारा लेज़ी फीलिंग आ रही है, तो आपका दिन गुड गुड करने के लिए आ गए हैं मैं और रबेका। रबेका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सबीन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जिस तरह आपने कहा ना, अगर आप लेज़ी फील करें, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि जब आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और सोच लेते हैं कि सुबह पहला काम जब आप आँख खोलते हैं और आप ये सोच लें कि आपने वक्त पर जागना है, मुझे लगता है कि दिन का आगाज़ उसी सूरत में अच्छा हो सकता है जब आप सुबह वक्त पर जागते हैं। ये वक्त पर जागना जो है ना, वो हमें लगता है कि बड़ी अलग सी बात है, क्या है, 5 मिनट ही तो है, 2 मिनट ही तो है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अलार्म जो है वो 5 मिनट और आगे कर देंगे, 10 मिनट और आगे हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी तमाम दिन की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ अपने दिन का आगाज़ जो है, हम आपसे यही कहेंगे कि आप बहुत ही पंचुअल तरीके से करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़मीन जब से राइजिंग पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया है ना, तो राइजिंग पाकिस्तान ने हमें लगता है कि बहुत सुबह हम जागते हैं, लेकिन वो पंचुअलिटी जो कहीं पर मिस हो गई थी ना, वो बिल्कुल सही हो गई है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि 5 मिनट बाद हम जाग जाएंगे, 5 मिनट बाद, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। बिकॉज अगर आपने सुबह सुबह 7:30 पे आपने लाइव जाना है, 5 बजे आपने सुबह उठना है, तो उसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो लाइव में आप रिस्क नहीं ले सकते। रुबैका, मुझे तो पूरी रात नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा 5 मिनट की अगर आप ब्रेक लेते हैं, वो 5 मिनट कब घंटा डेढ़ घंटा गुजर जाता है उसका पता भी नहीं चलता किसी भी तरीके से। तो रुबैका, राइजिंग पाकिस्तान से मैंने जो एक चीज़ सीखी वो ये थी कि पंक्चुअल होना कितना ज़रूरी है, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मिस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अगर आपने थोड़ा सा डिले किया तो वो एक रिस्किंग उसमें आप चले जाते हैं, तो उस स्टेज में आपको जाना नहीं चाहिए। सो हर मिनट जो है, हर सेकंड काउंट होता है और बहुत मैटर करता है। एनी, हम आपको बता दें हमारे देखने वालों को कि आज जो है राइजिंग पाकिस्तान की टीम लेकर आई है आपके लिए बहुत ही कुछ एक्साइटिंग। ख़ासतौर पर अगर हम किड सेगमेंट की बात करें, तो आज अजवद बात करने जा रहे हैं नॉइज़ यानी शोर पर। यकीनन इस हवाले से हम अक्सर और बेशतर अपने इर्द गिर्द ऐसी आवाज़ें सुनते हैं, जो कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगती। उस पर आज जो है अजवद हमसे क्या बात करने जा रहे हैं वो हम जानेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, राइजिंग पाकिस्तान में 3 अच्छी खबरों के साथ आएंगी तैयबा, और हमारे दिन को करने जा रही है वो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल रबेका, इसके साथ हमारे साथ होंगे ट्रेनर काशिफ, और ट्रेनर काशिफ हमारे लेकर आएंगे आज लेग्स का वर्कआउट करेंगे, लोगों को ज़रा जगाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। वो वर्कआउट सुबह सुबह उठाएंगे, ये जितने लोगों को सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है ना, तो ट्रेनर काशिफ ने ये ठान लिया है कि आकर जनाब जैसा है सबको जगा देंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगी रबेका मेहर अंजुम हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में, और आज हम एक बहुत ही हिस्टोरिकल फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि है आईना, और इस फिल्म की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिल्म किसने लिखी, किसने डायरेक्ट की, सबके बारे में आज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए, क्योंकि इस फिल्म की आज तक जो है हम लोग एक सुन रहे हैं पॉपुलैरिटी है, एक एवरग्रीन फिल्म इसको कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा, आपने कहा तो मुझे भी आईना फिल्म जो है वो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आज आपका जो सेगमेंट होने वाला है मेहर के साथ। आपको और हमारे देखने वालों को बता दें कि आज जो है हमारे गेस्ट सेगमेंट में अरीब अज़हर होंगे तौसीक हैदर के साथ, जो यूके जूम के थ्रू टेक्नोलॉजी ने जो है वो फासलों को ज़रा सा कम कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी सी बात होने जा रही है कि जूम पर तौसीक हैदर साहब के साथ होंगे अरीब अज़हर। जिस तरह हम सब जानते हैं कि अरीब जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं, और यकीनन जब हम सुफियाना कलाम की बात करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हैं। कुछ बात होने जा रही है 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी के हवाले से, तो वो तमाम तर बातें और डिस्कशन आज हमारे गेस्ट सेगमेंट में तौसीक हैदर और अरीब अज़हर के साथ कुछ बातें होंगी। और आई थिंक अभी हमें लेना है छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, सो आपने कहीं नहीं जाना, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, वापस आएंगे तो अजवद देंगे हमारा साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अजमद आ चुके हैं स्टूडियोज में और वो बात करना चाहते हैं शोर पर। वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर से जो है वो आपका मूड भी ख़राब हो जाता है और आपके कानों को भी कुछ असर पड़ता है, ऐसा कुछ कहते हैं अजमद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजमद आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा बताइएगा सबसे पहले कि ये जो टॉपिक आज आप लेकर आए हैं नॉइस यानी शोर, ये आपको कैसे ख्याल है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है? मुझे आइडिया ऐसा है क्योंकि अक्सर जब भी हम बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या ऐसे ही जब बैठे होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत शोर है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सी आवाज़ें होती हैं, हमारे इर्द गिर्द प्लेजेंट आवाज़ें भी होती हैं, लेकिन जो अनप्लेजेंट आवाज़ें होते हैं उनको हम शोर कहते हैं। अनप्लेजेंट आवाज़ों को शोर कहते हैं, जो कि अमूमन आप अगर घर से बाहर हैं तो उस वक्त भी, घर में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अनप्लेजेंट आवाज़ें। सो आई थिंक आपके पास एक बहुत ही अच्छी सी कुछ है, आपकी असाइनमेंट है जो आप लेकर आए हैं, वो देखते हैं क्या है जी। स्लाइड नंबर वन क्या है ये? नॉइज है क्या? ठीक है, शोर कोई ऐसी आवाज़ होती है जो जिससे हम इरिटेट होते हैं और हमारे दिमाग को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अच्छा। इसके अंदर बहुत सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे कि अभी नेक्स्ट स्लाइड भी, नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपकी जी। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे घर के अंदर हो सकता है हमारे पेट्स और जितने भी किचन अप्लायंसेस होती हैं, जैसे ब्लेंडर्स होते हैं जिसके अंदर अगर अम्मी शेक बना रही हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। और अगर आपके पास कोई डॉग है तो वो भी जब बार्क करता है तो वो भी बहुत इरिटेटिंग होता है। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ भी कहूँगी, जिस तरह आपने ब्लेंडर की बात की, अच्छा मिल्क शेक अच्छा लगता है जी, जिसमें वो बनता है वो इक्विपमेंट हमें पसंद नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन ऐसा होता है जब अम्मा किचन में होती हैं तो आप कहते हैं अम्मी ये आप क्यों कर रही हैं, आवाज़ आ रही है जी, तो मामा डांटती हैं? नहीं डांटती हैं, उनको खुद अच्छी थोड़ी लग रही होगी। अच्छा, मेरी अम्मी होती तो वो डांट वो कहती ये जरा आप आए ना किचन में, आप तकल्लुफ खुद करें। अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, इसके इफेक्ट्स क्या है हमारे ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शोर होता है या नॉइस है उसकी इफेक्ट्स क्या होते हैं आपके कानों तक जी। सबसे पहले तो हमारे कान इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जब भी कोई इरिटेटिंग आवाज़ जिस तरह जो शोर होता है वो उसकी आवाज़ ज़्यादातर हाई पिच्ड होती है, तो उससे हमारे कान इफेक्ट होते हैं क्योंकि हमारे कान अल्लाह ताला ने बहुत नाजुक बनाए हैं। बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी कहा जाता है ना कि आप इवन म्यूज़िक भी आजकल जो हेडफोन या हैंड्स फ्री पर नौजवान या हर उम्र किसी भी उम्र का कोई इंसान सुनता है तो कहा जाता है कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि शोर, वही बात है कि ऊंची आवाज़ जो होती है वो शोर होती है जो आपके कानों को इफेक्ट कर सकती है। अगली स्लाइड आपकी क्या है जी? Lack of sleep. अगर हम शोर के environment पे हैं तो हमारी नींद इफेक्ट होगी क्योंकि हमारा ब्रेन थक जाएगा उसको सुन सुन के और हम रेस्टलेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे आपको पता है अजमत, ये वाली जो बात है ये मुझे नहीं पता था कि ज़्यादा शोर से जो है वो आप थक जाते हैं, बहुत लेज़ी फील करते हैं जी ज़्यादा शोर की वजह से जी। तो फिर मैं तो बहुत लेज़ी फील करती हूँ कभी कभी तो मतलब ज़्यादा शोर सुन रही होती मैं अपने इर्द गिर्द जी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है अजमत की? इरिटेबिलिटी। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा मूड तो अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है, इससे हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे अगले दिन, हमारा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और फिर हम एनर्जेटिक नहीं होंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ देखें अजमत, कितनी इम्पॉर्टेंट बात है ये कि सिर्फ जब हम शोर की बात कर रहे हैं उसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी आपके कान इफेक्ट होते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आप किसी भी काम में उस तरह से अपना इंटरेस्ट नहीं ले सकते, अपना इनपुट नहीं दे सकते, तो हमारे देखने वाले खासतौर पर वो तमाम बच्चे जो सब बड़े भी लेकिन बच्चे जो हमें देख रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे खेल खेलते हैं या ऐसी जो है आप इन्वायरमेंट में हैं कि आपको रहना पसंद है जहाँ पर शोर हो, तो बहुत एहतियात कीजिएगा। अगली स्लाइड क्या है अजमत की? ये अब बहुत इससे लोग बहुत हैरान होंगे कि हमारे शोर सुनने की वजह से हमारा पेट भी ख़राब हो सकता है। नहीं, यस, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो उससे इफेक्ट होता है, हमारा दिमाग हमारे हर ऑर्गन से कनेक्टेड है। Yes. तो अगर हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा तो हमारे हर ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, तो स्टमक जो है वो अपसेट होगा जी। और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आपका स्टमक अपसेट होता है तो आपको नहीं पता होता कि उसकी कनेक्टिविटी जो है वो शोर से या कान से, हमें लगता है कि हमने पिछली रात कुछ गंदा खाया। हाँ, वो अच्छा, वैसे ऐसा होता है ना हर चीज़ की, हम ना अगर स्टमक अपसेट है तो उसका इल्ज़ाम हम लगा देते हैं फूड पॉइजनिंग। हाँ। तो हर जो है वो आपका स्टमक अपसेट होने की वजह फूड पॉइजनिंग नहीं होती। सो बढ़ते आपकी अगली स्लाइड की जाने, आई थिंक आपकी अभी स्लाइड है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है क्योंकि जो मैंने आपको पिछले जितने फैक्टर्स बताए हैं वो स्लीप से रिलेटेड, हम सोते नहीं हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं होता, और जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी शूट होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह आप बता रहे हैं कि गुस्सा होता है, क्योंकि शोर की वजह से हमें गुस्सा आता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई मतलब अजमत आज ऐसे मतलब
हाय अजवद ने आज ऐसी मतलब कनेक्टिविटी जो बताई ना, एक सर्कल है हर चीज का दूसरी बात से। जी ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अजवद क्यों डरा रहे हो? अच्छा लेकिन मुझे लगता है हम शोर वाली जगह पे नहीं जाएंगे, अगली स्लाइड क्या है? अच्छा हाउ टू कंट्रोल नॉइज, अब मैंने आपको बहुत से इसके नुकसान बता दिए हैं, अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे डेली बेसिस में हम अपने जो जनरेटर की बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, हम उसको किसी ऐसी जगह में रखें जिससे दूसरे भी ना डिस्टर्ब हो और हम भी ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो डिस्टर्ब ना हो। और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने देखने वालों से भी यही कहेंगे कि जब भी आप अपने घर में कोई ऐसा इक्विपमेंट लाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वो आपकी सहूलत के लिए है लेकिन उससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है या कुछ रूटीन में उनके डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों से आपको बहुत ख्याल रखना है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल फायरवर्क्स है। रात को बंदा सोने की कोशिश कर रहा होता है और बैकग्राउंड में फायरवर्क्स की आवाज आ रही होती है। आपको अच्छा आवाज अच्छी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई थिंक जो बंदा कर रहा होता है उसको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो बंदा सो रहा होता है, सोने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। वो जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे ना कि अपनी एंटरटेनमेंट की, तो हम अक्सर और बेशतर बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आपकी कोई स्लाइड है? स्लाइड मेरी ऑन ही है, लेकिन मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम आजकल हेडफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन पर्पज़ है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, इस तरह के बहुत से काम कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करना चाहिए ताकि उनके कान इफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच अजवद, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जिसके लिए मैं आपको थैंक यू से कहूँगी कि ये वो बात है या वो ऐसा टॉपिक है जिसको नॉर्मली हम उस तरह से डिस्कस नहीं करते। शायद हम नॉइज़ पोल्यूशन की तो बात करते हैं लेकिन सिर्फ शोर जो है वो आपकी लाइफ को या आपके लाइफ सर्कल को किस तरह से डिस्टर्ब करता है और आप उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनसे आप इफेक्ट होते हैं, शोर की बात करें लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे आपने ओवरकम करना है। थैंक यू सो वेरी मच अजवद, हैव अ वेरी ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तैयबा हमारा साथ देंगी तीन अच्छी खबरों के साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तीन अच्छी खबरों का वक्त आ गया है और बहुत ज़रूरी होता है अपने दिन को किसी अच्छी खबर से शुरू किया जाए ताकि तमाम दिन अच्छा गुजरेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दिन का आगाज़ किसी अच्छी खबर से या किसी भी एक अच्छी बात से करती हूँ, इवन कि मैं अगर अपनी वालदा का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी देख लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन अच्छा होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को अच्छा कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग रुबैका, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपने दिन को कैसे अच्छा बनाती हैं? आप सुबह में जागना, आँख खोलते ही आप कैसे क्या? अच्छा सुबह सुबह जब आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले अच्छा नाश्ता ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिसको खाने के बाद आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आप में भी एनर्जी आती है। क्योंकि अगर हम सुबह सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, तो आपका एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत डाउन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो पहला स्टेप ये है कि आपको बहुत अच्छा नाश्ता करना है, और हम लड़कियाँ इन मामले में वैसे बड़ी निल होती हैं। बिल्कुल, और नॉर्मली ऐसा होता है लोग कहते हैं इस नहीं जी बिल्कुल हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, और शायद लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन हम अपने देखने वालों से यही कहेंगे कि अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे चाय के कप के साथ या कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए तो तमाम दिन अच्छा गुजरता है। तैयबा आगे ये तीन अच्छी खबरें लेकर, पहली अच्छी खबर है वो हम बच्चों की अगर हम बात करते हैं ना, तो बच्चे जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो हमें वैसे बड़ी खुशी होती है। और आज की जो मेरी खबर है, पहली गुड न्यूज़ है, वो 17 साला हुज़ैफ़ा इब्राहिम, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो स्क्वैश प्लेयर है और अब उन्होंने USA में होने वाला जो U17 चैम्पियनशिप का टाइटल है वो भी अपने नाम कर चुके हैं। और हुज़ैफ़ा जो हैं वो अपने अमेरिकन हरीफ होल्स रिबोटसन जो है उनको हरा कर इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता। और हुज़ैफ़ा की को जो है हम राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और कितना अच्छा लगता है, मैं तो आई थिंक मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ। आई थिंक हम सबकी ये खुद भी ख्वाहिश होती है कि हम अपने मुल्क को किसी भी अगर प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सके, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी की खबर या कोई बात नहीं हो सकती। हुज़ैफ़ा हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आई थिंक हर खेल ही मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह आपने अभी बताया कि स्क्वाश का खेल वो खेलते हैं,
सकते हैं, मुश्किल खेल, लेकिन जब अच्छे तरीके से कोई कर सकता है और इंटरनेशनली लेवल पे प्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान को, तो वो जब आप रिप्रेजेंट करते हैं ना अपनी अपनी अपने मुल्क को, तो वह खुशी और वो जज्बा ही जो है ना वो कुछ लेवल उसका बहुत ऊपर का होता है। अच्छा, अगर हम छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं ना, जब आपने नेशनल लेवल पर परफॉर्म करना, अब आपको पता है कि आपके ही इलाके के, आपके ही मोहल्ले के, आप ही के मुल्क के स्कूल्स हैं, फिर भी आपके अंदर बड़ा वो होता है कि मुझे जीतना है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल की और उस वक्त आप प्रेजेंट होते हैं पूरे पाकिस्तान को, तो उसमें एनर्जी कुछ और ही तरह की होती है, और फिर आप जब विन करके आएँ तो ऑफकोर्स वो बड़ा ही आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है। प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जिस तरह आपने भी बात की ना कि अपने इलाके या अपने शहर, एक शहर से दूसरे शहर के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप वहाँ पर अपने आप को हाईलाइट करवाते हैं, और आपने सोचा हुआ होता है कि हमने एट दी एंड अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, तो ये बहुत खुशी की बात है। जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर जो है, अच्छा, हम लोगों को अगर आपको अपना बचपन याद हो या मैं अपना बचपन याद करूँ, तो हमें छोटी छोटी सी नेकियों के बारे में बताया जाता था कि अगर आप चल रहे हैं रास्ते में कोई पत्थर है आप उसको भी हटा देंगे, वो भी नेकी है। और आज की जो मेरी गुड न्यूज़ है वो है खवातीन से रिलेटेड। फिर आप अपनी रोज खवातीन वाली न्यूज़ लेके आ जाती है, लेकिन मैं तो बहुत खुश होती हूँ। हाँ। हर तीन खबरों में से एक खबर तो खवातीन के हवाले से होनी चाहिए। बिल्कुल। और किसी भी भूखे को खाना खिलाना अगर हम उसकी बात करते हैं तो बहुत अफजल नेकी है। कराची से ताल्लुक रखने वाली कुछ खवातीन ने अपनी मदद आपके तहत सफ़ेद पोश दस्तखान के नाम से ज़रूरतमंद अफराद के लिए वो खाना उनको प्रोवाइड करती हैं, वो खाना बनाती भी खुद हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करती हैं रबैका। और आपको एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि दस्तखान पे उस वक्त जितने ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके पहले तो रजिस्ट्रेशन होती है ताकि आइडिया भी आपको हो सके, एंड सेकेंड वन इसके जो भी मेन्यू डिसाइड होता है वो उनसे पूछ के किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हुई हैं वही उनको पेश की जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, उनसे पूछ के मेन्यू डिसाइड किया जाता है। और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग अफराद हैं जो घरों से नहीं आ सकते वहाँ तक, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माजूर होते हैं वो नहीं आ सकते, उनको प्रॉपर पार्सल भी किया जाता है, उनके घर तक खाना पहुँचाया जाता है ताकि कोई भी शख्स भूखा ना सो सके। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि देखें जिस तरह आपने कहा कि खवातीन के हवाले से, लेकिन जो बात है ना, आई थिंक कुछ गुड न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें एक अच्छी खबर के साथ और बहुत सी अच्छी जो है ना न्यूज़ जुड़ी हुई होती है। जैसे एक नेकी है कि आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, और उसके बाद खवातीन मिलकर ये जो है इनिशिएटिव लेती हैं और काम करती हैं, और फिर छोटी छोटी सी क्रिएटिविटी उसी में की गई है कि ऐसा नहीं, देखिए नेकी की तो कोई भी डेफिनेशन नहीं है, नेकी छोटी हो या बड़ी वो नेकी होती है, क्योंकि वो आपका एक गुडविल है जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं। वो कोई भी मुस्तहिक इंसान है जिसको आप मदद करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आपने बताया इन खवातीन का ताल्लुक किस शहर? कराची से है, तो आई थिंक हम चाहेंगे कि कभी इनसे हम मिलें, या अगर ये हमें देख रहे हैं या हमारी ये खबर उन तक पहुँची है जो उन्हीं की गुड न्यूज़ है, वो हमें ज़रूर हमारे पेज के थ्रू, राइजिंग पाकिस्तान का पेज है, उसके थ्रू रब्ता करें, तो हम उनको वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे कि वो आएँ और वो लोगों को बताएँ कि किस तरह से वो इस तमाम तर चीज़ को आगे लेकर बढ़ें। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात पता है क्या है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग जब भी बात करते हैं ना कि हम लोगों ने जाना है, हमने किसी की हेल्प करनी है, तो हमें अक्सर कभी कभी बाउंड भी कर दिया जाता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अच्छी बात कि वो तीन वक्त का खाना वो खुद डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं रबैका, वो बना भी खुद रही हैं, और फिर वो अफराद जो नहीं आ सकते उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, वो माजूर हैं या वो बुज़ुर्ग हैं, तो उनको घरों तक भी जाके दिया जा रहा है। बहुत खूबसूरत बात है। जी, आगे खबर क्या है? अगली वाली फूडी पर्सन जो है ना, मेरे लिए और आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल है वैसे। अच्छा, मैं बताऊँ, वैसे मैं बहुत फूडी हूँ। नॉर्मली लोग को देख रहे हैं, नहीं आप कहाँ खाना खाती हैं, हाँ, सेहत से लगता ही नहीं है। मैं कह रही हूँ मैं बहुत खाना खाती हूँ, लेकिन वो खाना खाने का भी एक तरीका होता सही है ना? अच्छा, तो वो फूडी पर्सन जो है उनके लिए, और मेरे ख्याल से जो मदर्स हैं और जो बच्चे हैं जो फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। हम बात करते हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उन्होंने हमें हर तरफ से वैसे भी घेरा हुआ है, आए रोज़ हम लोग नई चीज़ें सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं। मैं बताती चलूँ, खबर कुछ यूँ है कि 8 वर्ष के बाद पेरिस में दुनिया का पहला ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो पिज़्ज़ा बनाता भी खुद है, डिलीवर भी खुद करता है, ऑर्डर भी लेता है, और उसका जितना भी काम है ना, ऑर्डर से लेकर पैकिंग डिलीवरी तक जितना भी काम है वो रोबोट खुद करता है, और विद इन सम मिनट और बहुत जल्दी जल्दी वो पिज़्ज़ा जो है वो तैयार भी कर लेता है। अब मैं ये सोच ये रही थी रबैका कि हम लोग पेरिस चले या उसको बुला लें, यहाँ खुद पेरिस जाना ज़रा मुश्किल लगती है। जितनी भूख लगती है ना, तो हमें हमारा ख्याल है कि हमें भी उस रोबोट की ज़रूरत है जो हम ऑर्डर करें और हमारे आगे वो फूड तैयार हमें, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि मतलब पिज़्ज़ा जो है उसका ऑर्डर भी जो है वो रोबोट लेगा, और वो जो है बनाएगा भी रोबोट बनाएगा, पैक भी खुद करेगा, पैकिंग भी खुद करेगा, और डिलीवरी भी खुद करेगा।
तो मतलब खाएंगे सिर्फ इंसान, हाँ वो हमने सिर्फ खाना है, मतलब हमारा काम सिर्फ खाना है, बाकी सारा काम वो हमारा वैसे भी वही काम है, लेकिन ये वाली जब न्यूज़ सुनते हैं ना तो वो ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक है हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सी अमेजिंग चीज़ें भी हो रही हैं, और टेक्नोलॉजी जो लव्स है वो यकीनन हम बहुत बार कंप्लेनिंग भी हो जाते हैं हाँ। कि मतलब टेक्नोलॉजी ने हमें थोड़ा सा लेज़ी कर दिया है, हम सुस्त हो गए हैं। अब यकीनन जैसे अब मैं अगर क्योंकि कुकिंग बहुत कम करती हूँ, और अगर मुझे कुकिंग करनी पड़ती है, मुझे पता है कि रोबोट है जिसको मुझे ऑर्डर करना है वो बहुत जल्दी सब कुछ बना कर ले आएगा, तो मसले हल हो गए। अगर वो पाकिस्तान में आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, तो हम थोड़ी बहुत कुकिंग भी करते हैं ना, हमने वो भी नहीं करनी, हमने उसको यही कहना है कि रोबोट प्लीज़ तीन अच्छी खबरें आपने सुनाई, दिन अच्छा किया, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू जी। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद ट्रेनर काशिफ देंगे आपका साथ, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों आज का जो हमारा वर्कआउट है वो लेग्स का वर्कआउट है। लेग्स इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जिसको हमने ट्रेन करना होता है, हमने इसको स्किप नहीं करना होता। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपकी जो फाउंडेशन है वो वीक होगी। आप अक्सर जिम में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, मोस्टली अपने लेग्स के वर्कआउट को स्किप कर देते हैं, या आप कहीं पर घर पर ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, पार्क में जाके अपनी लेग्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये आपके पिलर्स हैं गाइस, इनको अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे वीकनेस होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो अपर बॉडी को ट्रेन करने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोअर बॉडी को ट्रेन नहीं करेंगे। तो साथियों आज मैं आप लोगों के लिए लेग्स का वर्कआउट लेके आया हूँ। इसमें हम कुछ कोशिश करेंगे बॉडी वेट इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन हम इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, इसी तरीके से वर्जिश के लिए भी वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मशीनें हों, डंबल्स हों, बारबेल हो, फ्री वेट्स हों, बॉडी वेट हो, एनीथिंग वी कैन यूज़। हमारे पास आज स्टूडियो में बारबेल भी है जो कि वी कैन यूज़ राइट हियर राइट नाउ, और हमारे पास डंबल्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ वेट आपने इंक्रीज़ करना है या उसको स्टैटिक रखना है, योर कॉल, आपकी चॉइस। या आप लाइट वेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रहे कि वार्म अप इज़ द की। वार्म अप किए बगैर आपने वर्जिश का आगाज़ नहीं करना। अगर आप वार्म अप किए बगैर वर्जिश करेंगे तो यू विल एंड अप हैविंग एन इंजरी। तो हमने इंजरी नहीं करनी है, हमने क्या करना है, हमने ट्रेन करना है, हमने मजबूती की तरफ गामजन होना है। साथियों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस पोजीशन में बैठ के अपने लेग्स को ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर रखना है, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि हम बॉडी वेट भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड देन लिफ्ट योर लेग ऑल द वे, फुल रेंज में एक्सटेंड करेंगे। माइंड बॉडी कनेक्शन, जब मैं बॉडी की बात करूं तो हमारे कूल्हों के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिएगा कि हम 3 पॉइंट्स पे जा रहे हैं। वी गोना लिफ्ट दिस लेग, लेफ्ट हो या राइट हो, मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन जब मैं रेपिटेशंस कंप्लीट करूंगा तो आपने भूलना नहीं है, हमारे पास वक्त की कैद होती है, अपने राइट साइड पर भी इनकॉर्पोरेट करना है, राइट साइड पर भी जाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ऑन नाइस एंड कंट्रोल ऑल द वे, फुल एक्सटेंशन। बैक मेरी अलाइन चाहिए मुझे आपकी, मेरी अलाइन है, गर्दन इजी हो, कंफर्टेबल हो, बेंट ना हो, स्ट्रेस नहीं देना किसी भी हिस्से पे, रिलैक्स रहना है बॉडी को, एंड देन अपनी एक्सरसाइज शुरू कीजिए। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज, जितना मैक्सिमम आप लिफ्ट कर सकते हैं अपनी लेग को और अपने कूल्हों के मसल को, अपने साइड कोर के पास मसल्स को इन्वॉल्व कीजिए राइट देयर, माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ ऑल द वे 20 रेपिटेशंस करेंगे। इसी के साथ टर्न अराउंड, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपने भूलना नहीं है, यू गोना ट्रेन ईच साइड ईच पार्ट ऑल द वे फुल रेंज के साथ, ठीक है साथियों। इसके आपने 4 सेट्स करने हैं और 15-30 रेपिटेशंस इन बिटवीन 20 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हम इसी पोजीशन में रहेंगे, लेग को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके गुना लिफ्ट ऑल द वे, लिफ्ट करेंगे बाजू नहीं लेग को, लेट्स स्टार्ट ऑन। क्या करना है हमने साथियों, इसी पोजीशन में रहेंगे, हमने क्या किया कि हमने पहले ऐसे लिफ्ट किया था, हम क्या करेंगे लेग को एक्सटेंड किया, मेरा पंजा देखें यूं नहीं है, यूं रखना है, ठीक है, एंड ऑल द वे
स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, लोअर बैक आपके इन्वॉल्व है, हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व है और आपके कूल्हे दोबारा से इन्वॉल्व है, तीन मसल्स जो हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे कूल्हों पे और हैमस्ट्रिंग्स, ऑल द वे फुल रेंज, एक्सटेंड एक्सटेंड, नाइस एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद आउट एज यू गो अप, जैसे ही आप ऊपर जाइए ब्रीद आउट, नीचे आइए ब्रीद इन, फुल एक्सटेंशन साथियों। और अब मैं थोड़ी सी पेस बढ़ाऊंगा आप नाइस एंड कंट्रोल माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ, इसी के साथ सेम थिंग, टर्न अराउंड, एक्सटेंड किया ऑल द वे फुल रेंज के साथ, स्क्वीज माइंड बॉडी, 20 रेपिटेशंस ईच साइड साथियों, फुल रेंज ऑल द वे 20 रेपिटेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों वर्जिश की हरकत की फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से नोट किया होगा। ख्याल रहे जिस भी सरफेस पे आप कंफर्टेबल हो, आपको जो इंजरी का एहतमाल ना हो सके या आपको ज़ख्म वगैरह ना हो सके, नीचे सॉफ्ट मैट बिछाइए। अब हम क्या करेंगे साथियों, लिफ्ट हाथियों रखेंगे एंड ऑल द वे बेंड करेंगे नॉन स्टॉप। इसमें मुझे आपके 40 रेपिटेशंस चाहिए। किस तरीके से होंगे, 1 1 2 2, सांस मेरी फूल रही है ना, एग्जैक्टली काम हो रहा है, नाइस एंड कंट्रोल, कोई जल्दी नहीं करनी, फॉर्म देखिए सोसो, नाइस एंड कंट्रोल, स्टेप लिया 90 डिग्री। मैं हमेशा से कहता हूँ इट्स अबाउट एंगल्स, वेरिएशंस, फॉर्म्स, ठीक है, एंगल 90 डिग्री एंगल, बेंट हुए स्ट्रेट, देन गो डाउन अदर लेग, जहाँ से शुरू किया वहाँ से एंड करेंगे और फिर देन मूव ऑन टू अदर लेग, ठीक है, इस तरीके से स्विच करते जाएंगे। और जैसा कि मैंने टेंशन की बात की थी, यू कैन ऐड वेट एज वेल, 10 किलो वजन मैंने होल्ड कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, गर्दन इजी, सांस लेते रहिए, 4 सेट्स, हाई रेपिटेशंस, 40 रेपिटेशंस, डंबल मैंने होल्ड कर लिया है। इसके बाद क्या करना है साथियों, हमने डंबल्स को पकड़ा इस तरीके से, वाइड स्टैंस लिया, नाइस एंड कंट्रोल, होल्ड किया एंड देन फुल रेंज के साथ फुल एक्सटेंशन आप देखिए, ठीक है, अगर आप डोल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, नाइस एंड हेल्प लीजिए ऑल द वे, हेल्प लीजिए ऑल द वे, फुल रेंज के साथ, 10 किलो वेट मैंने होल्ड किया हुआ है, लाजमी नहीं है, ठीक है साथियों, फुल रेंज एक्सटेंशन, इसका मैं चाहूँगा 15 रेपिटेशन आप कीजिए, नाइस एंड कंट्रोल, अलाइंड रहे आपकी स्पाइन, आपकी बैक, कोर नाइस एंड टाइट, सांस लेते रहिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके बाद साथियों हमारी जो नेक्स्ट वर्जिश की हरकत है, हमने क्या करना है, हमने एक तो फौरन से बता देते हैं मुझे, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो, ओहो अभी तो वर्कआउट शुरू किया हमने। अच्छा जी साथियों, अब हमने क्या करना है, गुड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज का नाम है, आपने वेट रखा, ये मत सोचिए कि मेरे कंधों पे 25 किलो है, 22 किलो है, समवेयर अराउंड, वेट आपने रखना है एंड वी गोना डू गुड मॉर्निंग्स। शोल्डर विड्थ स्टैंस होगा, लेग्स जो हैं ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज, शोल्डर विड्थ, ठीक है, और पंजे सीधे चाहिए आपके, रेडी, बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, रीसेट योर पोजीशन एंड डीप डाउन ऑल द वे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। साथियों इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं और 4 सेट्स करने हैं, गौर से देखिए फॉर्म, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइस एंड कंट्रोल, होल्ड द वेट, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, माइंड बॉडी एंड फुल रेंज। साथियों ये तो हमारा आज का वर्कआउट जिसमें हमने अपनी फाउंडेशन पे काम किया, लेग्स पे काम किया जो कि फाउंडेशन है, हमारी स्ट्रेंथ है,
जिसको हमें स्किप नहीं करना होता। उम्मीद है आपको टेक्निक, फॉर्म, वेरिएशन सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे, हमारे साथ होंगी सबीन और सबीन के साथ होंगी मेहर। आईना फिल्म के हवाले से बात करेंगे, म्यूजिक का तड़का लगाएंगे, कहीं मत जाइएगा। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। इतने इंटेंस वर्कआउट के बाद हमने सोचा क्यों ना कोई लाइट से गुफ्तगू हो जाए आपका माइंड थोड़ा सा। वैसे तो एक्सरसाइज भी आपका माइंड रिलैक्स करती है, लेकिन जो आप थक गए हैं तो थकन थोड़ी सी दूर करते हैं, थोड़ी सी म्यूज़िक पे बात करते हैं, थोड़ी सी फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं कुछ हिस्टोरिकल फिल्म्स के बारे में भी। और मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होती एक्सपर्ट मेहर अंजुम। मेहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मेहर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक हिस्टोरिकल फिल्म के बारे में बात करें। इसको एवरग्रीन फिल्म बोलते हैं, बिकॉज तब से अब तक इस फिल्म को देखा जाता है और पसंद किया जाता है। फिल्म आईना के बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, 18 मार्च 1977 में ये रिलीज हुई थी और अभी तक लोगों की फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म कहा जाता है इसको, और उसी तरह से लोग इसको अभी भी पसंद करते हैं। बिल्कुल मेहर, और मैंने सुना है कि इसको कहा जाता है कि फर्स्ट क्राउन जुबली फिल्म भी पाकिस्तान की इसको कहा जाता है। बिल्कुल, वो इसलिए मेरा ख्याल है कहा जाता है कि क्योंकि इसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, सबसे ज़्यादा इस फिल्म में बिजनेस किया, और तकरीबन एक हफ्ते में 401 मरतबा एक ही सिनेमा में कम्प्लीटली ये रिपीटेडली मतलब प्ले हुई है, ये फिल्म चली हुई है 401 हफ्ते रिपीट। तो डेफिनेटली इसने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया होगा, बिकॉज 401 वीक्स जो एक फिल्म चली है, तो वो डेफिनेटली उसने तो किसने नहीं देखा होगा उस जमाने में, स्पेशली एग्जैक्टली मतलब उस जमाने में भी किसने नहीं इसको देखा होगा। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ के बिजनेस तो इतना ज़्यादा फिल्म जो चली है उसके बाद इसने करना ही था। अच्छा मेहर, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल मैं लिटरली मैं चाहूँगी कि स्टार्ट हम करें एक इसी फिल्म के एक बहुत ही फेमस गाने से। इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स ही बहुत ही फेमस हैं और मुझे सब सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद हैं। अच्छा मेहर, मैं चाहूँगी कि फिल्म की कास्ट के ऊपर भी हम बात करें, किसने लिखी फिल्म, किसने इसको प्रोड्यूस किया, एक्टर्स कौन-कौन थे? इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे नजरुल इस्लाम साहब, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म को डायरेक्ट किया, और रौफ अहमद शमसी साहब ने इसको लिखा, और इसके जो हीरो और हीरोइन थे, हीरो नदीम साहब और शबनम जी की क्या फेमस सुपर हिट जोड़ी थी। Exactly. जिस फिल्म में भी इन दोनों का इन दोनों की जोड़ी होती थी वो सही सुपर हिट जाती थी फिल्म, और इतने कमाल की एक्टिंग इन लोगों ने की, और हैट्स ऑफ के मतलब कमाल की डायरेक्शन, कमाल की फिल्म, कमाल की पोइट्री, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। और म्यूजिक की अगर बात करें, रॉबिन घोष साहब ने तमाम गाने बहुत ही खूबसूरती से कंपोज किए, सो क्रेडिट उनको भी जाता है, और उन्होंने हर एक सिंगर से गवाया, मतलब जितने भी कमाल के सिंगर्स थे जैसे मेहदी हसन खान साहब, नयरा नूर जी, इन सिंगर्स के साथ इन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया। अच्छा, फिल्म आप देख क्या रहे होते हैं, मुझे लगता है कि सॉन्ग्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन देखने का भी किस तरह मजा आता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, तो मेहर कुछ सिंगर्स के बारे में हम बात करें। इस फिल्म के जो सिंगर्स थे, इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स ही बहुत ही सुपर हिट थे, जिसमें मुझे दिल से ना भुलाना, ठीक है, कभी मैं सोचता हूँ जो मेहदी हसन खान साहब ने गाया, ठीक है, उसके अलावा रूठे हो तुमको कैसे, और एक जो भी हमने प्ले किया वादा करो, सभी बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग्स थे। और रॉबिन घोष साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट सभी फेमस सिंगर्स जैसे नयरा नूर जी, ठीक है, रूठे हो तुम इन्होंने सिंग किया, मेहदी हसन खान साहब, मेहनाज जी, आलमगीर साहब, इन सबसे सही प्रॉपर काम लिया उन्होंने इस फिल्म में, और इस फिल्म के सभी सॉन्ग इसी वजह से ज़्यादा मशहूर हुए क्योंकि ऑलमोस्ट वैरायटी थी, हर एक सिंगर का अपना स्टाइल था, और वो सॉन्ग्स इस वजह से भी क्लिक कर गए। सो बेसिकली बहुत मेहनत करके इसकी एक एक चीज के ऊपर काम किया। कि कंटेंट की भी मैं बात करूँ कि कंटेंट भी इस फिल्म का बहुत जबरदस्त था, और ये कि एक वो था कि एक आई कैचिंग सी स्टोरी होती है ना, कि बस आप उसमें खो जाते हैं और आप फिल्म के इंटरवल तक आप कहते हैं, तो आज तक लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। मैं कहती हूँ महर फिल्म वो जबरदस्त होती है, अभी भी मैं ये बात कहती हूँ, जहाँ पर जब इंटरवल आता है ना, ब्रेक जो आती है, तो आपके ओहो ब्रेक की वहाँ के वो फिल्म मेरी तो उसमें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं खुद फिल्म्स की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो मैं अगर देखती हूँ तो मुझे होता है कि हाँ वो इसी तरह की फिल्म होनी चाहिए।
अच्छा तो मेहर, सिंगर्स की भी हमने इसके अंदर बात की, तो जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स थे उसको उन सबको जो है वो इस फिल्म के अंदर गवाया उन्होंने, रोबिश कुमार साहब ने इनको मतलब इन सभी से सॉन्ग्स करवाए इस फिल्म के अंदर। यही वजह है कि मतलब वैरायटी नजर आई लोगों को और लोगों को ये इस फिल्म के सॉन्ग्स बहुत पसंद आए। एक रीजन ये भी होती है, सॉन्ग्स अच्छे होना तो फिल्म हिट होती है, तो सॉन्ग्स अच्छा होना इम्पोर्टेंट होता है। लाजमी नहीं कि आइटम सॉन्ग डालेंगे तो ही मशहूर होगा फिल्म, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा मेहर, मैं तो एक बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ कि एक सवाल मैं आपसे करूँ, क्योंकि आप जब आती हैं तो आप हम हिस्टोरिकल फिल्म्स और हम लेजेंड्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो ये गाने गाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है खुद से? बिकॉज अभी आप गाना गा रही थी तो मुझे हो रहा था कि बिकॉज ये लेजेंड्स ने गाने गाए हुए और उसके बाद जब आप उनको गा रहे होते हैं तो उनका जब सिंग स्टैंडर्ड भी उसका सेट होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि ये जो सॉन्ग है ये कोई एवी वैमी का नहीं है, ये बहुत प्रॉपर एक सॉन्ग है और इसको लोग जानते हैं। आप अगर एक लाइन भी इधर उधर करोगे लोगों को पता चल जाएगा, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि वाकई में हमेशा मतलब बंदा सोच के गाता है, बिकॉज मैं लोगों के इमोशंस भी साथ अटैच होते हैं। एग्जैक्टली, आप एक लाइन भी इधर उधर करो लोग फौरन कहेंगे इसने तो अपना गाना ही चेंज कर दिया, ट्यून अपनी बना ली। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो यूथ है उसमें भी बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसकी एक एग्जांपल आप भी हमारे साथ बैठी हुई है कि आप मेहनत करते हैं और आप लोग आगे बढ़ते हैं। मेहर थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर हम हिस्ट्री पे बात करते रहे, हिस्टोरिकल फिल्म्स लेजेंड्स के ऊपर हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते रहे तो एक तरह से हिस्ट्री आपकी जिंदा रहती है, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन अब चलेंगे एक ब्रेक की जानिब और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अरीब अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अरीब अज़हर साहब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हम सब जानते हैं कि जब सूफ़ी सिंगिंग की बात आती है तो अरीब अज़हर साहब का नाम जो है वो एक टॉप लिस्ट में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तौसीक हैदर साहब इनकी मुलाकात के लिए, लेकिन तौसीक तो यूके बैठे हुए तो अब कैसे? तो डेफ़िनेटली हमने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, यहाँ पर हमने कहा कि जूम के थ्रू अरीब अज़हर साहब से जो है वो बातचीत की जाए, उनसे गपशप की जाए। 14 अगस्त के हवाले से कुछ बातचीत होने वाली है आज, देखते हैं इस ब्रेक के बाद कही जाएगी। मत राइजिंग पाकिस्तान।